हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय शो। सो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ दिल्ली। पूरे वन ईयर के बाद मैं दिल्ली जा रही हूँ एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। सो सबसे मिलूंगी, मम्मी पापा एंड सबसे सारे रिलेटिव्स वहीं पर हैं। सो आई एम वेरी सुपर सुपर एक्साइटेड। एंड फ्रेंड्स, सो अभी मैं टैक्सी में हूँ एंड अब हम एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं। T2 एयरपोर्ट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो हम वहीं पर जाएंगे। मैं आपको मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी T2 एयरपोर्ट। हम जो चलने लगे चलने लगे ये रास्ते मंजिल से बेहतर लगने फ्रेंड्स। फाइनली हम पहुंच गए T2 एयरपोर्ट। सो एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करने के लिए हमें दिखाना है अपना आधार कार्ड एंड अपना टिकट। सो इसके बाद हम एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे। सो देखिए, यहाँ पर एक क्यू है। सो हमें वेट करना है अपनी टर्न का। सो उसके बाद हम एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करेंगे। सो फाइनली हम हैं एयरपोर्ट के अंदर। सो नाउ अब हम जाएंगे एयर इंडिया आके चेक इन काउंटर की तरफ, जहाँ पर हमारे पास जो 3 बैग्स हैं उनको हम जमा करवा देंगे। सो प्लेन के अंदर खाली 5 kg तक का बैग अलाउड होता है, तो हमारे पास 3 बैग्स हैं जिसको हमें जमा करवाना होगा। सो अब हम अपने काउंटर की तरफ जाएंगे, एयर इंडिया चेक इन काउंटर। सो जिस भी एयरलाइन का आप टिकट बुक करो, आपको उसी एयरलाइन के चेक इन काउंटर की तरफ जाना है और अपने सारे बैग्स आप वहाँ पर जमा करवा सकते हो वेरी इजीली। और बहुत सारे लोग हेल्प करने के लिए होते हैं। ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं हेल्प करने के लिए। सो ये हमारी हेल्प कर रही है। सो हमारे बैग्स जो हैं यहाँ पर सारी एंट्री डालने के बाद ये हमारे बैग्स जो हैं यहाँ पर जमा हो जाते हैं। इट्स वेरी ईजी प्रोसेस। सो चेक इन काउंटर पर हमें हमारे बोर्डिंग पास भी मिल गए। सो बोर्डिंग पास के ऊपर सब कुछ मेंशन है कि कौन से गेट नंबर पर हमारी फ़्लाइट आएगी एंड फ़्लाइट का नंबर क्या है, एवरीथिंग इज़ मेंशन। सो फाइनली अब हम जाएंगे सिक्योरिटी चेक इन के लिए। सिक्योरिटी चेक इन में हम जो भी सामान फ़्लाइट के अंदर लेकर जाएंगे उसकी चेकिंग होगी और हमारी भी पूरी अच्छी तरह से चेकिंग होगी। सो उसके बाद हम फ्री होंगे, पूरी चेकिंग्स फिनिश हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, फिर हम आराम से ब्रेकफास्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए सिक्योरिटी चेक इन की तरफ। बस ये लास्ट वर्क है, इसके बाद बस हमें अपने गेट नंबर के पास जाना है जहाँ पर हमारी फ़्लाइट आएगी। सो सिक्योरिटी चेक इन में क्या होता है, हमें जो है हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे लैपटॉप, चार्जर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमारे पास है, हमारा फ़ोन, तो उसको हमें एक अलग बॉक्स में डाल कर रखना है और अपने सामान को भी एक अलग बॉक्स में रखना है। सो उन सबकी वो चेकिंग करते हैं अच्छे से, जो भी चीज़ हम फ़्लाइट के अंदर लेकर जाएँ, और हमारी भी अच्छे से वो चेकिंग करते हैं, पर्स वगैरह सब अच्छे से चेक करते हैं। सो इसे ही कहते हैं सिक्योरिटी चेक इन। सो इट्स वेरी ईजी। सो सारा सामान जो है उसको निकाल कर बाहर रखो और सिक्योरिटी चेक इन कम्प्लीट हो जाती है। एंड वाओ फ्रेंड्स, दिस एयरपोर्ट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मैं पहले भी यहाँ पर आई हूँ एंड ये एयरपोर्ट मुझे हमेशा ही बहुत प्यारा लगता है। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर और बहुत सारे स्टोर्स हैं और डेकोरेशन तो बहुत ही अच्छी है यहाँ की। देखिए, इट्स वेरी नाइस। सो अब हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो अभी टाइम हुआ है 8:30 एंड अब हम जाएंगे अपने लाउंज की तरफ खाना खाने के लिए। सो सो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच गए लाउंज के अंदर। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड अब हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट के लिए हमारे पास पूरे 1 आवर का टाइम है। सो हम आराम से यहाँ पर खाना खा सकते हैं। सो या फ्रेंड्स, थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा यहाँ पर।
सो लाउंज में हमने अच्छे से खाना खाया एंड उसके बाद हम अपने गेट नंबर पर गए एंड उसके बाद हम फ्लाइट में बैठकर और दिल्ली पहुंच गए फ्रेंड्स। सो मैंने वहाँ की पूरी शूटिंग नहीं कर पाई मैं प्लेन के अंदर की, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत डाउन हो गई थी। सो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि प्लेन में ट्रैवल करना इट्स अ वेरी ईजी एंड इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं जगह जगह पर, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो अच्छे से आपको गाइड करते हैं। सो या इट्स वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस फ्रेंड्स। सो बस सो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच गए दिल्ली एयरपोर्ट। सो या फ्रेंड्स वी आर वेरी हैप्पी। सो अब हम जाएंगे अपने घर की तरफ, अपने फ्लैट की तरफ। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। सो फ्रेंड्स या मेरे साथ बने रहिएगा, मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी। सो फ्रेंड्स ओके टेक केयर बाय बाय। प्लीज़ हमेशा हंसते रहिएगा मुस्कुराते रहिएगा। सो फाइनली हम पहुँच गए अपने घर। ओके फ्रेंड्स बाय बाय टेक केयर।